हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम प्रियंका जैन और आज आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वैकेंसी लाई हूँ मैं। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। सैलरी भी काफी अच्छी है यहाँ पर और पोस्ट जो है वो 112 टोटल पोस्ट है। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्या लास्ट डेट है अप्लाई करने की, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया, ये सब कुछ जानना है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आई है आपके लिए दैट इज ऑन एमडीयू रोहतक। एमडीयू रोहतक में यहाँ पर एक वैकेंसी आई हुई है दैट इज फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, यहाँ पर टोटल 112 पोस्ट है और उसमें केमिस्ट्री के लिए जो है वो 11 है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर PR08/2024 यहाँ पर है। ओपनिंग डेट इसकी थी 11 मार्च। 11 मार्च को एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 3 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा www.mdu.ac.in। ठीक है, इस पर जाकर आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन जिस तरीके से अप्लाई किया जाता है सेम वही क्राइटेरिया है। ओके, और यहाँ पर देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि एज आपकी होनी चाहिए 42 इयर्स। ठीक है, लास्ट डेट यहाँ पर आपके लिए 42 इयर्स रखी गई है और इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पर फॉर्म जब हम देखेंगे तो हमको पता चलता जाएगा क्या क्या रिलैक्सेशन है। कुछ कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन है, बाकी 42 इयर्स जो है वो यहाँ पर रखी गई है इसकी लास्ट एज। देखिए यहाँ पर ये देखिए एडवर्टाइजमेंट, आप यहां पर देख सकते हो केमिस्ट्री के लिए जो पोस्ट है वो जनरल के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 3 है, बीसीए के लिए 2 है और बीसीबी के लिए 1 है। ठीक है, तो इतनी तो केस है यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए। बाकी भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं जैसे बायो केमिस्ट्री, बायो इन्फोनेटिक्स, बायो टेक्नोलॉजी, बॉटनी, इन सब में भी बहुत सारी पोस्ट आपके लिए यहाँ पर दी गई है। टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो 34 सब्जेक्ट्स हैं, जूलॉजी, विजुअल आर्ट, स्टेटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। टोटल आपके 34 सब्जेक्ट्स हैं। और ये देखिए यहाँ पर आप अगर इसकी फॉर्म की फीस देख रहे हो तो अनरिजर्व्ड के लिए फीस है 1600 रुपए। फीमेल अगर हरियाणा की रेसिडेंट है तो उनके लिए फीस करी गई है 800 रुपए। एससी, बीसी, ए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस अगर हरियाणा के रेसिडेंट है तो उनके लिए जो फीस है वो 400 है और पीडब्ल्यूडी अगर हरियाणा के रेसिडेंट है तो उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, फीस वंस डिपॉजिटेड विल नॉट बी ट्रांसफरेबल। ओके, अगर आपकी फीस एक बार डिपॉजिट हो जाती है जो एप्लीकेशन फीस है तो वो उसके बाद दोबारा रिफंड नहीं की जाएगी ना ही एडजस्ट की जाएगी। यहाँ पर देखिए ये आपको अलग अलग अप्लाई करने के लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इसकी साइट www.mdu.ac.in पर यहाँ पर सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। आप जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको एक यूनिक कोड दिया जाएगा। ठीक है, एक यूनिक कोड होगा आपका जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर वो होना चाहिए आपने CSIR नेट किया होना चाहिए और PhD किया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर PhD करना कंपलसरी है। अगर आप CSIR नेट नहीं किए हुए हो तो आप सेट या स्लेट की हो तो भी हो सकता है, लेकिन जो सेट और स्लेट है वो हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया होना चाहिए तो ही मान्य होगा, अदरवाइज इट इज नॉट। ओके, तो CSIR नेट अगर आप करे हुए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक चीज और, PhD करे होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर CGPA मार्क्स के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। जो भी ट्रांसफर होगा वो नेट बैंकिंग के थ्रू या UPI के थ्रू होगा। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर वो UR कैटेगरी का है और रिजर्व्ड कैटेगरी का है या किसी कैटेगरी का तो वो दोनों जगह से अलग अलग भर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये देखिए, द कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टर्ड फॉर PhD प्रोग्राम प्रायर टू July 11, 2009 एंड हैव बीन अवार्डेड डिग्री आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस इश्यूड बाय द रजिस्ट्रार और डीन एकेडमिक अफेयर्स ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने PhD प्रोग्राम किया है और अगर जुलाई 11, 2009 से पहले किया हुआ है तो आपको वहां से एक सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा वहां के रजिस्ट्रार से या डीन एकेडमिक अफेयर्स से। इसी तरीके से जो कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टर्ड फॉर PhD प्रोग्राम ऑन और आफ्टर July 11, 2009 टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द UGC स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ PhD रेगुलेशन 2009 issued by the registrar or dean academic affairs of the concerned university. Okay, तो ये सब आपको पढ़ लेना है अच्छे से, यहाँ पर दिया हुआ है।
देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ओके। और अलग अलग सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, इस तरीके से आप इनको पढ़ सकते हैं। ये देखिए अभी आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, देखिए आपका यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपके नंबर के आधार पर, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। तो शॉर्ट लिस्टिंग किस तरीके से होने वाली है, अगर आपके ग्रेजुएशन में 80% या अबव है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, 60% से लेकर 80% तक है तो 13 मिलेंगे, ठीक है। 55% से कम है तो आपके 10 मार्क्स होंगे, और 45% से कम है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% या उससे ऊपर है तो 25 मार्क्स होंगे, 60% से लेकर 80% तक है तो 23 मार्क्स, 55% मार्क्स है अगर तो 20, ठीक है। एम फिल का भी इसी तरह से 60% या अबव है तो 7 मार्क्स जोड़े जाएंगे, 55% से लेस है ठीक है तो 5 मार्क्स, और मैक्सिमम आपके टोटल 30 मार्क्स हो सकते हैं। यहाँ पर पीएचडी के लिए 30 मार्क्स रखे गए हैं, नेट या जेआरएफ, अगर आप नेट विद जेआरएफ करें तो 7 मार्क्स, सिर्फ नेट करें तो 5 मार्क्स, सेट या सिलेक्ट करें तो 3 मार्क्स, और रिसर्च पब्लिकेशंस अगर आपने किए हुए हैं तो आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल सकते हैं। इसी तरीके से ये देखिए, ये आपको दिया हुआ है किस किस फील्ड में आपने रिसर्च किया, उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस है अगर आपके पास तो 10 मार्क्स मिल सकते हैं, अवार्ड्स किसी तरीके के अगर आपको मिले हुए हैं तो 3 मार्क्स उसके लिए मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे मार्क्स काउंट करे जाएंगे, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको क्या करा जाएगा, शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। और देखिए टोटल कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे, जैसे एन पोस्ट है ठीक है तो 5N+20, जैसे कि अगर आपकी एक सिंगल पोस्ट है किसी जगह पर तो आपके टोटल 25 कैंडिडेट्स उसके लिए शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे, और फिर उनमें से इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। और इंटरव्यू में भी क्या होगा, वेटेज आपकी देखी जाएगी। ये देखिए इंटरव्यू जो होगा उसमें भी आपकी वेटेज देखी जाएगी, सब्जेक्ट की नॉलेज के लिए 50% वेटेज है, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल आईसीटी नॉलेज के लिए 30% वेटेज है, ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए 20% वेटेज है, और अगर आपके 50% से कम मार्क्स बनते हैं इंटरव्यू में तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, आप सुटेबल नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ था यहाँ पर एमडीयू की, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आई है उसके लिए क्राइटेरिया जो कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन, अगर आपको लगता है आपके मार्क्स इतने अच्छे हो सकते हैं तो आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और अगर इसी तरीके की और वीडियोस चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल पर विजिट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।